राम राम जी, सारा नया, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। और जी, ईब इस टाइम पर बज रहे हैं शाम के 6 बजे में रह रही है, बेकसर 10-15 मिनट की कसर रह रही है, जिस टाइम पर मैंने अपना व्लॉग की जो है शुरुआत कर दी है। भाई, वीडियो देखने लगे तो समय पहले जाकर ने लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर जो नए हैं मैं चैनल ने एक बार जरूर तभी जरूर सब्सक्राइब कर दो। आज सुबह ही तो वो लोग शुरू कर लिया है मैंने, क्योंकि है ना सुबह बैठने ना घना जी कर रेस्ट में ठंडी ठंडी हवा चलन लग रही है, मच्छर भी ना लड़ दे, नहीं तो इस टाइम पर तो मच्छर नरे उड़ उड़ के ना जाया करें। और आज तो बारिश भी हुई है, लेकिन हल्की फुल्की हुई है, जमा अड़वी अड़वी आई थी आड़े तो, और बंदर तो नहीं आ गया, भूल तो इसलिए डाला, वास तो इसलिए डाला कि बंदर आ गया। बाकी इब तो बंदर आंदे रहोगे, आज भी दिन मारा था डंगा की बाल्टी खंडाएगी सारी, और मैंने बंदर तो बहुत घना डर ला गया। अगर चौखा उस टाइम पर अमित जी थे, मैं तो भीतर कमरा में तो बाहर कौन लकड़ू कि मैं करे जाओ, चाहे बंदर कड़िया है कि मैं करे जाओ, डंगा बाल्टी खंडा मेरे पर कौन लकड़ा जाओ भीतर तो फिर। और अमित जी थे उस टाइम पर तो, और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना आज का, जमा रोज ऐसा यार गर्मियों में ना मौसम ऐसा हो यार, जमा सही गर्मी कट जाऊंगी। और बस अभी अपने खान पीन की तैयारियां करूंगी मैं, और रोटी आज बना दे को नहीं, क्योंकि भाई मौसम बढ़िया सा हो रहा है, तो पकवान बनावांगे आज। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेड के पकोड़े, तो आज ब्रेड के पकोड़े बनाएंगे, जिसने खाने हो भाई घर आप पहुँच जाइयो, ठीक है। और ये मेरे प्लांट्स, सही इनकी भी मौज हो रही है, ठंडी ठंडी हवा लगने लग रही है इनका भी। और मेरा फेस भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि है ना मैं 2 दिन मेकअप करके ना सोगी रात ने, वैसे मैं ना मुंह धोकर ना फेस वॉश के साथ में मुंह धोकर फिर सो जाया कर दी। एक तो मेरा वो जो मैं लगाया कर दी ना के का सीरम होया कर, ब्रांड इस आया था, मैं नाम भूल गई उसका, तो वो लगाया कर दी, तो भाई वो हो गया है ख़त्म, तो इसी करके बस मैं फेस वॉश के साथ में मुंह धोकर सो जाया करूँ। तो देखो यहाँ पर हो गया एक पिंपल दाग हो गए यहाँ पर है ना, और कुछ है कि यहाँ पर भी हो रहे हैं, ये 2-4 एक दाग हैं, तो ये भी बस थोड़े ही मिट जावे। और भाई कुछ जो है शॉपिंग भी करके लेके आनी है मैंने, और देखो भी करना तो बहुत कुछ है, तो देखते हैं अभी केक कुकर के कुछ हो पाओगा। और अभी मैं कर लियो अपनी तैयारियाँ, नहीं तो फिर रात होने लग जाऊंगी। और आज तो मैं जीत पर कह दिया मैंने कि जल्दी आ जाओ दुकान पर, क्योंकि है ना ये भगवान इतना खुड़का, क्योंकि है ना एक जो कर बारिश का मौसम आने लग जाओगा ना, तो बारिश का मौसम में ये तेजी वगैरह ये कम में लग गया करें, तो इसी करके ना है ना मैंने कह दिया मखाज थोड़ी जल्दी आ जाइए, बारिश का मौसम हो रहा है, तो देखते हैं फिर थोड़ी बहुत अमित जी भी मदद करवा देंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो बर्तन हैं मैं सारे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि है ना पहले तो मैं शाम ने साफ़ करा कर दी करीब 6 और 7 के बीच में, लेकिन मैं जल्दी करके दर दूँ साफ़ 4 बजे के आसपास, क्योंकि जितनी लेट होता जा फिर उतने सारे बर्तन होते जावे हैं, तो मैं सवेरे के सुबह धो दिया करूँ, दोपहर के दोपहर में, फिर शाम के साथ इस तरह ज़्यादा बर्तन होते को नहीं। आलू जो है वो मैंने उबालने रख दिए हैं, बर्तन साफ कर दिए हैं मैंने अब, और आरती चलने लग रही है, सुन गए होगे आप सभी ने, क्योंकि लाइट आ चुकी है, लाइट आंदे जो है आरती जो शुरू हो जाया करे, बिल्कुल पास में ही मंदिर है, ऊपर तभी दिखा है बस जो अड्डा इसका बराबर में मंदिर है, तो सही है, आरती सुनते सुनते याद भी होगी मेरे तो काफी सारी है जो मेरे याद भी हो चुकी है, जेल की गेल जो गांधी रहा करूँ, काम भी कर दी रहा करूँ, गांधी भी रहा करूँ। और अभी आलू उबलने रख दिए हैं, और साथ में अभी मैंने लिया है टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालूंगी मैं, लाल मिर्च को डाल दी, हरी डालूंगी, और धनिया ले आए थे पापा जी, बस ये ब्रेड मंगवाने रह रहे हैं, अभी पापा जी घर पे हैं नहीं, अभी आऊंगे ना तो तब मंगवा लूंगी मैं ब्रेड, बाकी ब्रेड है ना ब्राउन ब्रेड दे रहे हैं घर पे, जिनका रंग भूरा भूरा हुआ वह है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अच्छे को लाग ना खान में इतने करोड़े करोड़े तो हुए मैं ना उनका कलर ढंग का, तो इसी करते ना अभी पापा जी आऊंगे तो जो सफेद ब्रेड हुआ है ना वो मंगवा लेंगे, बाकी मैंने वैरायटी का भी पहले मेरा पटे की भूरे भी हुए हैं और धोले भी हुए हैं, दो डाल के ब्रेड हुए हैं, एक दिन पापा जी ले आए फिर मैंने जब मेरा पटे मुखाया है भूरे भी ब्रेड आए हैं, मैंने नहीं पता था।
आलू उबलने मैंने रख दिए हैं। इतने आलू उबलेंगे इतने और तैयारी तपारी कर लेते हैं। तो जो प्याज टमाटर और साथ में जो हरी मिर्च है वो मैंने पीस ली थी बिल्कुल बारीक। लाल मिर्च मैंने डाली कौन थी, हाँ डाली थी, जो बेसन का घोल बनाया था सिर्फ उसमें बिल्कुल ना मात्रे डाली थी। हरी मिर्च पीस लिया करूँ मैं, क्योंकि हरी मिर्च सेहत के लिए हानिकारक भी ना होंगी। और प्याज टमाटर है जो ये भी बात थोड़े बारीक से मैंने काट लिए हैं। और अभी मैं काटूँ धनिया, कच्चा धनिया जो है, क्योंकि कच्चा धनिया बिना स्वाद देखो नहीं आंदा। तो कच्चा धनिया तो हर एक सब्जी में डाल दिया करूँ मैं अगर घर पे हो तो। और अभी मैं बना रही हूँ पेस्ट, पेस्ट मैंने बना दिया, बस बेसन घोल दिया था, नमक और थोड़ी सी मेथी पाउडर और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इसे तय जो पेस्ट है वो बना दिया था। बस इतना अच्छे तरह मिक्स कर लूँगी, इसके अंदर कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए इतना वो करना है। फिर इसमें 5-10 मिनट खातर ढक कर कहने रख दो, इस तरह सेट हो जाएगा आटा यानी कि पेस्ट है जो बेसन का घोल। और अभी मैं थोड़े से जो प्याज टमाटर है ना ये ब्रेड में कभी जो मैं गालूंगी ना तो ये कभी कच्चे कच्चे नहीं रह जाए, तो इन्हें ना मैं थोड़ा हाँ पका लेंगी जिससे इसमें टेस्ट आ जाएगा। जो कर आलू की सब्जी गोलियाँ नहीं बनाया करें बिल्कुल सेम उसा है, लेकिन उसमें पानी पड़ जावे है, इसमें पानी को नहीं गिरना। तो बस आलू जो आलू को हूँ जो प्याज टमाटर है वो मैंने छोक दिए हैं, और इब जो आलू हैं इन्हें भी मैं अच्छे तक कूट लूँगी और फिर गैस बंद करके ना फिर मिक्स कर दूँगी मैं इसमें। तो बस फिर अब मेरा जो ये आलू की जो भी ब्रेड का बीच मंगाया करो वो मैं तैयार हो जाएगा। तो अभी इस टाइम पे 7:30 ते होने हो रहे हैं और अमित जी भी आने हो रहे हैं दुकान पर। तो आने तो मैंने बोल दिया था ब्रेड ले आई, इतना मैं जो भी तैयारी तपारी है वो सारी करके ना धर लूँगी और तैयारी मैंने करके ना रख ली है। ये देखो यो मैंने जो कौन सा गोल होया करे वो बेसन का, हाँ बेसन का जो गोल है वो मैंने बना कर तैयार कर दिया है। और इसने है ना बनाया भी अच्छा है ना, कम से कम 5-10 मिनट खातर धरी रखना जरूरी है, फिर सेट होया करे यो। और यो मैंने पेस्ट बना दिया है, यो भी ठंडा हो जाऊगा आधा का गेल, फिर बरंडा के बीच में डाल लिया जाऊगा। तो इसी करके ने यो जो पेस्ट है वो बना दिया है और वो कढ़ाइया भी है वो भी रख दिया है, बस इब तो बनानी ही रह रहे हैं। अमित जी आऊँगे जब गर्मा गर्म बना कर खुआ दूँगी, और शादी के बाद शायद मैं पहली बार जो ब्रेड पकौड़ा वो बनाऊँ। के बार मैंने एक बार बटाड़ा बनाए थे, बिल्कुल ध्यान में कोनी मेरा, यहाँ पर तो पहली बार ही बना हूँ। तो आज जी सारे जने खा लियो ब्रेड पकोड़ा और बहुत ही स्वादिष्ट बने, गारंटी दूँ इस बात की, जो स्वादिष्ट नहीं पा मैंने तो कुछ नहीं कमी काट दियो रहा कर सुधार लूँगी, बस यो ही उसका है। और यो है सुबह सुबह का टाइम, बस रात ने अपने खा पी के सो गए थे, टमाटो सॉस के साथ मैं वो खा लिया था ब्रेड और साथ में दूध पी के अपने फिर राम ते सो गए थे। और बेरा मैं ना हर की में भी बना दी हूँ, ईब काल भी मैंने बनाई थी चिप्स तो उसकी भी मैं क्लिप काट ना भूल गया, आखिर मैं अरीब जो ब्रेड बनाई थी उसकी भी क्लिप काट ना भूल गई थी मैं। तो सारी पर मेरे गल नू बना, बाकी ना बहुत स्वाद बने थे। तो अभी बस जो सुबह सुबह का टाइम है मैं उठ गई थी करीब 6 बजे के आसपास उठ गई, तो बस चाय है जो सब खातर वो ही बना दी है मैंने। बाकी है ना जो मैं सही रूटीन बन रहा था कि है ना सुबह सुबह जूस नहीं मतलब बनाना शेक पिया कर दे, बस पापा जी की चाय जो है वो बना कर दी, लेकिन है ना अम्मी जी ने बस 2 घूट सुबह सुबह चाय दे दिया कर, जो मैं 2 घूट फिर 2 घूट करके ना वह चाय बनने लागे सारे की सवेरे तो। और जो जूस है वो 9 बजे के करीब पी लें, फिर रोटी खा ले हैं 11-12 बजे के करीब, तो ये भी यो रूटीन बनाए रखे है अमित जी ने। ये देखो आज अमित जी ले कर रही है, मैं कहूँ मखाट जो मैं बनाऊंगी 12 बजे के भूखा मैं 12 बजे को घड़ा दिखाऊं कि बेदर्श का दे 10 बज के 50 मिनट हुई है, 11 बजे नो रहे हैं ठीक है नी। ना इन कह पानी गर्म लगा दे तू, मैं रोटी पोलूंगा और पानी मैं लगान लाग रही हूँ। पलट दी इसके ऊपर क्यों दर दी उल्टी है, रोटी भी कौन पोनी आंदी क्या आपने ए राम कुकर निंजा टेक्निक की डाल रहे करे हो, और देखो कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाओ है, नरा टाटा लगाओ हो, नरा पड़ोथन लगाओ हो, इतना पड़ोथन नहीं लगांदे भाई मेरे ऊपर, देखियो कोई दोष ना दियो कि वो काम को नहीं कर दी नू को नहीं कर दी, आप खुद लग रहे हैं। मैं इतनी नटी थी मैं खाला मैं बनाऊंगी, मेरा धक्का मारा है बोला ना मैं आप बना कर खा लूंगा हाँ मेरा खोट नहीं काटियो आखिर में सारे जने तो अभी मैंने ना जो सेकंड टाइम की चाय है वो मैंने चला दी है, सुबह का टाइम हो रहा है ना,
तो सेकंड टाइम भी चाय चढ़ा दिया मैंने और मैं भी थोड़ी सी पी लूँगी क्योंकि एक ब्रेड बचे गए हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े ब्रेड बने थे, सारे पे एक एक खाए गए। अम्मी जी ने डेढ़ ब्रेड खाया था और मेरे पे एक भी पूरा को नहीं खाया गया। पापा जी ने भी एक ब्रेड खाया था, तो यो एक बच रहा है। और बस अभी सारा काम धाम पड़ा है मेरा, एडिटिंग वगैरह करी है तो मैंने, और अपना ही काम के लाग जाऊंगी मैं। पोचा आज मार दी को नहीं क्योंकि कल मारा था ना, बिल्कुल साफ सुथरा घर है तो पोचा तो आज लगा दी को नहीं। बस खाना पीना भी करना है और आज तो अम्मी जी दुकान पर कर ले हैं, नहीं तो साथ में एक मामा जी जो पार्टनर है दुकान में वो भी आया था, लेकिन आज वो कोनी तो घर पे अम्मी जी बिल्कुल भी को नहीं आन पाऊँ कि अपना रोटी भी पोगन है दुकाने पर पहुँचानी पड़े टिफिन में गाल करने। तो इसी चक्कर में तो जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लूँ, खाना बना लूँ और मेरे ब्रेड बन रहे थे गणे गजब के स्वाद बन रहे थे। और हाँ एक मेरे खातर खुशी की बात बताऊँ कि है ना, अम्मी जी ने मेरे तय छूट दे दी है कि 5,000 की शॉपिंग, 5,000 की शॉपिंग तो कुछ भी कर सका है। 5,000 रुपये दिए हैं मेरे तक शॉपिंग करने के। और मेरे हिसाब से तो शादी के बाद तय अपने लिए मैं शॉपिंग आज करूँगी। देख लो 1.5 साल होने हो रहा है और आज मैं खुद खातर शॉपिंग करूँगी। आज नहीं कि अपना 22 न चले जाऊँ, 23 न चले जाऊँ, वो तो देखा है किस टाइम से जाओगे। जाओगे इसे टाइम से 21, 22, 23, बस इन 3 दिन आए मैं जाओगे। और सच में इतनी ढेर सारी शॉपिंग कर लेके आनी है मैंने, क्योंकि भाई एक शादी में जाना है तो इसलिए शॉपिंग तो ज़रूरी है, खर्चा भी ज़रूरी है। हैं बस मैंने कुछ मांगे को नहीं, अमित जी पर मांग तो लू खरी ला कर भी दे दूँ मैं, लेकिन फिर मेरा जी कौन करा करता। लेकिन अब की बात थोड़ी ही मैंने करना है, शॉपिंग करनी है, जी भी करा है मेरा। वहाँ 1.5 साल हो गया है कौन छोड़ू, ये खर्चा चालू हो जाऊगा क्योंकि चलो छोड़ो इस बात में। तो फिर शॉपिंग कर जाऊँगी जब देख लूँ कि कुछ लेके आवाँगे। ठीक है जी, तो कर दूँ ही मैं इस व्लॉग का आड़े एंड। मिलूंगी आप सभी ने कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अगर आप सभी ने मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ भाई जान जाने लाइक कर जियो, कमेंट कर जियो, शेयर कर जाइयो। और जो सभी चैनल पर नए हो चैनल है ज़रूर तभी ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइयो। तो मिलूंगी आप सभी ने कल 12 बजे। ओके जी, फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर।